छोड़ो यार बोरिंग बातों को साइड में, क्योंकि आज हम लेके आए हैं वो ऐसे 6 मैसेज जो आपकी चैट्स को एक लेवल अप कर देंगे, जहां थोड़ा देसी तड़का मिलेगा, थोड़ा फन होगा और साथ में कन्वर्सेशन की स्पार्क भी बढ़ जाएगी। तो बैठ जाओ और देखो कैसे आपके मैसेज में वो जान डल सकती है जो आपकी चैट्स को एक नया ट्विस्ट देंगे। लेट्स स्टार्ट द फ्रिकिंग वीडियो। यार ये मैसेज बताने से पहले मैं आपको एक टिप दे दूं कि आप जो भी मैसेज यूज करें उस मैसेज को आपको इस तरीके से यूज करना है ताकि सामने वाली लड़की को ये फील ना हो कि आप उससे जबरदस्ती बात करने के बहाने ढूंढ रहे हो या कोशिश कर रहे हो उससे बात करने की। आपको अपने इंटेंशंस ऐसे दिखाने हैं कि सडनली आपको कोई ख्याल आया और आप उससे बात करना चाहते हो इस बारे में, वो राइट पर्सन है आपसे बात करने के लिए। दैट्स व्हाई ऐसा ना लगे कि आप जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो। फर्स्ट आपको कोई टॉपिक ढूंढना होगा कि जिससे आप आगे भी उससे बात करते रहो, सिर्फ डायलॉग मार के हट नहीं जाना, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। तो आप आगे कैसे बढ़ाओगे? आप कोई करंट टॉपिक चूज करोगे, जैसे मैंने किया है, ओए फ्लैश देखी लेटेस्ट वाली? वो कहेगी हाँ या ना, के नहीं देखी या देखी है। उसके बाद आपको बोलना है अगर तुम एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाओ या तुम्हारे पास कोई सुपर नेचुरल पावर आ जाए तो वो कौन सी पावर होगी, या फिर आप पहली चीज़ क्या करोगे उस पावर से। नंबर टू, कैरी मिनाटी का रोज देखा नया टेक्निकल गुरुजी वाला? वो कहेगी हाँ देखा या नहीं देखा। तो आप उसे कहना अगर आपको एक दिन का यूट्यूबर बनने का कोई चांस मिले तो आप किस यूट्यूबर को बनना पसंद करोगे, या आपको मौका मिले किसी को रोस्ट करने का तो आप किस बंदे को रोस्ट करोगे। देखो सबका प्यारा तो सिड है ही, सिड को तो प्यार बरसाना ही है तुम्हें, तो लाइक कमेंट और शेयर तो अभी से कर दो क्योंकि सिड भाई को प्यार। अब तो तुम और मेरे फोन में मुझे कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आता। वो बोलेगी क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो उसे बताना क्योंकि अब लगता नहीं कि स्मार्टफोन और तुम्हारे बिना एक पल भी जीना पॉसिबल हो रहा है। नंबर फोर, अब आपको एक स्टोरी बनानी है। मान लो कि तेरे को पता यार आज क्या हुआ, मेरी बहन ना बाथरूम में कॉकरोच से डर गई। क्या तुम्हें भी कॉकरोच से डर लगता है, या तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? जैसे मुझे कॉकरोच से लगता है। अगर आपको किसी यूनिक चीज़ से डर लगता है या फिर किसी चीज़ से डर लगता है तो बताओ, इससे कन्वर्सेशन खींचो आगे। आपको बात खींचनी है, दैट्स वाई आप मैसेज कर रहे हो, ठीक है? आपका मैसेज करने का पर्पस नॉर्मली ये होना चाहिए कि आगे आपकी बातचीत बढ़े, आप उससे कुछ बात शेयर करो, वो आपसे बात शेयर करे, आपके बीच में बॉन्ड बने फिर आप उसे पूछो कहीं बाहर जाने के लिए। अपने इंटेंशंस क्लियर रखो हमेशा से। नंबर फाइव, यार कभी तुम्हें ऐसा फील होता है कि लाइफ एक मूवी है और हम बस अपना रोल प्ले कर रहे हैं या फिर कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं? ये जो बात है ये थोड़ी फिलोसफिकल बात है। अगर लड़की को फिलोसफी या फिर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो फिर इस पे वो बात करना चाहेगी, अपने व्यूज़ देगी। आपको बस दूसरे पर्सन के बारे में पूछना है, वो अपने बारे में बताती चली जाएगी कि तुम कैसा फील करते हो। दूसरे बंदे को आपको इम्पोर्टेंट फील कराना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है ताकि उसे लगे कि अच्छा ये मेरे से पूछ रहा है, शायद मैं थोड़ी दिमाग वाली होंगी, शायद मेरे से बात करने को ये इच्छुक है, तो कुछ बात होगी, ये मेरे से क्यों डिस्कस कर रहा है। इसके बारे में कई बार आप पीछे बात भी लगा दो कि यार मुझे ना कई दिन से एक बात पूछनी थी पर कोई बंदा मुझे सही सा मिल नहीं रहा है जिससे मैं ये बात कर सकूं। और उसके बाद आप उसे ये बोल दो कि क्या तुम्हें कभी फील हुआ है कि लाइफ ये है या लाइफ वो है, वो फिर अपनी फीलिंग बताते तुम्हें चली जाएगी और ऐसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। मान लो कि तुम भटूरे खा रहे हो या फिर नहीं खा रहे, या फिर तुम किसी खाने पीने की शॉप के आसपास से गए और तुम्हें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है किसी चीज़ की, फूड की स्मेल आ रही है, इसको तुम अब उससे लड़की से कैसे रिलेट कर सकते हो? तो इससे पूछो कि सुनो अगर हम अपने फ़ोन से इमोजीज की बजाय स्मेल सेंड कर सकते तो तुम मेरे लिए कैसी फ्रेगरेंस चूज़ करोगे? या फिर पता है यार आज ना मैंने भटूरे खाए और उनकी फ्रेगरेंस ही इतनी अच्छी थी ना कि अगर मैं तुम्हें फ़ोन से वो इमोजीज़ की जगह फ्रेगरेंस सेंड कर सकता तो मज़ा आ जाता, तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ जाते या फिर तुम्हें खुद भूख लग जाती। अब वो लड़की कहेगी हाँ यार मुझे भी तुमने भूख लगवा दी है, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे तो फोटो देख के ही भूख लग गई है। तो उसे बोलो चलो लेट्स गो, कभी चलते खाने। ये होते बहाने ढूंढने के कि लड़की को आपको साथ में बुलाना है, इनडायरेक्टली आप कैसे बुला रहे हो। और अगर ऐसे ही टिप्स आपको चाहिए ना तो ये चैनल फॉलो कर लो, क्योंकि यार ये चैनल ना मैंने इसलिए बनाया है ताकि सब लोग, हर वो बंदा जो बंदी पटाने में दिक्कत आ रही है जिसे, वो भी बंदी पटा सके। आम सा बंदा भी जिसके पास लुक्स नहीं है, स्किल्स नहीं है, बॉडी नहीं है, पैसा नहीं है, वो बंदा भी बंदी लेके घूमे। मेरा मोटिव यही है, हर बंदे के पास एक बंदी तो हो, कम से कम लाइफ एक्सपीरियंस हो, ये करे, एक गर्लफ्रेंड तो हो। एक ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, एक प्यार भरा एक्सपीरियंस, किसी के लिए प्यार से कुछ करना या अपने सर पे उसका हाथ फिरवाना, ये बहुत ही प्यार भरा एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ कि सारे मेरे युवा, सब इंडिया के हर लड़के के पास एक बंदी तो हो, लाइफ में एक बार तो हो। और अगर आप भी ये चाहते हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, ताकि मैं उस हर बंदे की हेल्प कर सकूँ जो इंडिया में अभी सिंगल है और जिसे बहुत नीड है एक बंदे की, उसे भी थोड़ा प्यार चाहिए। मैं तो वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको
मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे इस बात का कोई मतलब नहीं बना, पर फिर भी कई बार बिना मतलब की बात भी बहुत मतलब वाली होती है। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों, आज तला पिस्ता, खुदा हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।